बिग बॉस 17 से लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है, जहां राशन को लेकर खूब हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। घर में पहला टास्क भी होता है, लेकिन अंत वहीं होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, बिग बॉस आज के एपिसोड में घर वालों को एक टास्क देंगे, जहां उन्हें खाना अपने अपने मकानों के लिए लूटना होगा। मगर इस बीच घर वालों के निशाने पर मन्नारा चोपड़ा चढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ऐश्वर्या शर्मा से लेकर नील और रिंकू तक उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। मालूम हो के घर वालों को बीते एपिसोड में बिग बॉस ने फटकार लगाई थी। गंदगी को लेकर बिग बॉस नाराज हुए थे और उन्हें एक घंटे का अल्टीमेट देते हुए कहा था कि अगर घर साफ नहीं हुआ तो वो अपने तरीके से घर साफ करेंगे। तब डर की वजह से सभी घर वालों ने घर चमका दिया था। मगर अब बिग बॉस ने राशन के लिए घर वालों को एक टास्क दिया है। दरअसल बिग बॉस 17 में कंटेस्टेंट अक्सर एक दूसरे का सामान चोरी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बिग बॉस इन्हें कहेंगे कि वो खुलेआम एक चोरी कर मौका देते हैं और दूसरे को इतने में राशन अपने कमरे में ले जाके भरना होगा। इस टास्क में एक टनल होगी जिसमें एक और कंटेस्टेंट को पार करना होगा और दूसरा साथ राशन भर रहा होगा। अब किसी तरह से ये टास्क होगा और कौन कौन करेगा ये तो आज के एपिसोड में देखने के बाद ही साफ होगा। लेकिन प्रोमो में मन्नारा चोपड़ा घर वालों के निशाने पर आ जाती है। दरअसल मन्नारा चोपड़ा राशन के लिए टास्क खेल रहे चिंटू उर्फ समर्थ को कहती है कि वो सारा राशन ना ले बल्कि दूसरे मकान वालों के लिए भी छोड़ दे। इसी महान बनने की आदत पर बिग बॉस ने रिएक्ट करते हुए पूरा गेम ही पलट दिया। अब हाथ में आई बाजी। अब जब दिल के मकान वालों के हाथ से छूटी तो घर वाले उन पर खफा हो गए। ऐश्वर्या शर्मा, नील से लेकर रिंकू उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए हैं। बरहान, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें।